जय माता दी। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा का जितना महत्व है उतना ही जरूरी है कन्या पूजन। जी हाँ, कन्या पूजन पर नौ कन्याओं के रूप में माँ के नौ रूपों की एक साथ पूजा की जाती है। नवरात्र के सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है और कौन सी कन्या का पूजन करना चाहिए? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कन्या पूजन क्यों किया जाता है। देवी पुराण के अनुसार इंद्र ने जब ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो उन्होंने सर्वोत्तम विधि के रूप में कुमारी पूजन ही बताया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। नौ कन्याओं को नौ देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त अपना व्रत पूरा करते हैं। ऐसा करने वाले भक्तों को माता सुख समृद्धि का वरदान देती है। बता दें कि कन्या पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या तथा तेज की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जप और दान से भी देवी इतनी खुश नहीं होती जितने की कन्या पूजन से होती है। तो चलिए आगे आपको बता दें कि कन्या पूजन के दिन कन्याओं की आयु 2 से 10 वर्ष तक होनी चाहिए और कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याओं को पूजन के लिए बुलाना चाहिए, जिसमें एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना गया है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं होती, उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बगैर पूरी नहीं मानी जाती। यदि 9 से ज्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं, उनका स्वागत करना चाहिए। कन्या पूजन कैसे करें? कन्या पूजन के दिन सम्मान के साथ कन्याओं को आमंत्रित करें, फिर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करें। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बैठाकर सभी के पैरों को स्वच्छ पानी या दूध से भरे थाल में पैर रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए। पैर छूकर आशीष लें और कन्याओं के पैर धुलवाने वाले जल या दूध को अपने मस्तिष्क पर लगाएं। इसके बाद कन्याओं को माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाएं और माँ भगवती का ध्यान करते हुए इच्छा अनुसार उन्हें भोजन कराएं। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और दोबारा से पैर छूकर आशीष लें। ऐसा करने से देवी प्रसन्न होकर आप पर खुशियों की बारिश करती हैं। बता दें कन्या पूजन में 2 साल की कन्या को कुमारी, 3 साल की त्रिमूर्ति, 4 साल की कल्याणी, 5 साल की रोहिणी, 6 साल की बालिका, 7 साल की चंडिका, 8 साल की शाम्भवी और 9 साल की दुर्गा और 10 साल की कन्या को सुभद्रा का स्वरूप माना जाता है। कुंडे टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।